नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का सवाल है इट से पार्टिकल मूव फ्रॉम अ पॉइंट माइनस टू आई कैप प्लस फाइव जे कैप टू फोर जे कैप प्लस थ्री के कैप वेन अ फोर्स ऑफ फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप न्यूटन इज अप्लाइड हाउ मच वर्क हैज़ बिन डन बाय द फोर्स सिंपल सवाल है uh, हमारे ऑप्शन हैं टू जे टू जूल फाइव जूल एट जूल या फिर एलेवन जूल सिंपल सवाल है वर्क डन की आपको डेफिनेशन यहाँ पर इस्तेमाल करनी है तो सबसे पहले तो इसके uh, जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं सो आर वन जो आपका इनिशियल पोजिशन वैक्टर है वो दिया हुआ है माइनस टू आई कैप प्लस फाइव जे कैप आर टू जो आपका फाइनल वैक्टर है जो आपका फाइनल पोजिशन वैक्टर है वो दिया हुआ है फोर जे कैप प्लस थ्री के कैप यह आपका फाइनल पोजिशन वैक्टर है फोर्स जो यहाँ पे अप्लाई हुआ है फोर्स दैट इज इक्वल टू फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप हालाइन सो so, हमें विद डेफिनेशन पता है कि वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डॉट एफ डॉट एस डिस्प्लेसमेंट तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट uh, है तो वर्क डन जो होएगा दैट इज़ फोर्स फोर्स आ गया फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लिख सकते हैं आर टू माइनस आर वन दोनों का डिफरेंस सो तो इसमें से हमने ये माइनस करना है तो इसको हमने अब डॉट प्रोडक्ट करना है इसमें से जब माइनस करेंगे सो पहले इसको लिख लेते हैं फोर जे कैप प्लस थ्री के कैप इसको माइनस करेंगे सो दिस विल बी प्लस टू आई कैप माइनस फाइव जे कैप सो so, ये दोनों जे कैप जे कैप ऐड करके माइनस जे कैप हो जाएगा अब हमें इनको डॉट प्रोडक्ट करना है डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है कि आई आई जे जे और के के मल्टीप्लाई होते हैं और बाकी जे डॉट के और के डॉट आई वो सब टर्म जीरो हो जाती है बिकॉज उनके बीच में एंगल नाइन्टी डिग्री का है सो so, इसके इसमें हम लिख सकते हैं कि फोर आई यहाँ पर आएगा आई आई वाला हो गया एट प्लस जे और यहाँ पे माइनस आ रहा था तो ये हो गया माइनस थ्री सो वर्क डन विल बी इक्वल टू फाइव जूल सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी फाइव जूल वुड बी द राइट आंसर